नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस फॉर एसएससी में। देखिए, ये जो आज का वीडियो है काफ़ी छोटा वीडियो है और लेकिन ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक किस टॉपिक पर होने वाला है, खेल और उसके खेल परिसर को क्या कहा जाता है। ठीक है, देखिए खो खो जो है, खो खो के खेल परिसर को कोर्ट कहा जाता है। देखिए, मैंने जो एक ही नाम से है उसे पहले मैंने कैटेगराइज किया है। तो देखिए, कबड्डी, बैडमिंटन, टेनिस और वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन, टेनिस और वॉलीबॉल, इन सभी के खेल परिसर को क्या बोला जाता है, कोर्ट। ठीक है, कोर्ट बोला जाता है। दूसरा देखिए, रग्बी फुटबॉल होता है। ठीक है, रग्बी फुटबॉल पिच, क्रिकेट के खेल परिसर को भी पिच बोला जाता है। ठीक है, देखिए पोलो और हॉकी के खेल परिसर को फील्ड कहा जाता है। तो साइकिलिंग के बेलोड्रम, ठीक है, बेलोड्रम कहा जाता है। वहीं मुक्केबाजी रिंग, ठीक है, मुक्केबाजी हो गई, आइस हॉकी, देखिए मुक्केबाजी हो गई, रिंग, ठीक है। और यहाँ देखिए आइस हॉकी रिंग क है, यहाँ पे का है और यहाँ ग है। मुक्केबाजी रिंग हो गई और आइस हॉकी रिंग हो गई। ठीक है, तो वहीं घुड़सवारी एरिना, निशानेबाजी रेंज, जूडो मैट पे खेली जाती है। ठीक है, टेबल टेनिस जो है बोर्ड पे, ठीक है, टीटी मतलब टेबल टेनिस है। गोल्फ कोर्स, बेसबॉल जो है डायमंड, ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध पूछा जाता है। और ये घुड़सवारी हो गया, ठीक है, घुड़सवारी का एरिना और बेसबॉल का डायमंड, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों ख़त्म हो गया है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और एस फॉर एसएससी चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।